हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। जय राम 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 कुंज बिहार जय गोपी जन कृष्ण जय गोपी जन कृष्ण जय जन जन जय जय गोपी जन गिरिवर यशोदनन्दन व्रज सुंदर भला सुभद्रा जय
संकीर्तन जी की हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं इंग्लिश में बोलूं, हिंदी में बोलूं या बंगला में बोलूं? कितने जन इंग्लिश में कथा करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? बंगला में, हिंदी में? जितने जन हिंदी में सुनना चाहेंगे हरि बोल बोलिए। चलिए, तो आज का जो कक्षा जो हम जो लेंगे आज हिंदी भाषा में लेंगे, ठीक है? तो आज हम क्या मना रहे हैं, सभी आप लोग यहाँ पे उपस्थित है, किस लिए यहाँ पे आए हम सब? कृष्णा। तो आज हम जो है कथा करेंगे कृष्णा जन्माष्टमी के ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण जो है उनके छोटे छोटे जो लीलाएं हैं उनके ऊपर हम सभी चर्चा करेंगे। तो मैं सभी माता जी और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, और इस्कॉन HSR भक्ति सदन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना सही कीमती बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप पधारे हैं। तो कृष्ण कौन है, कौन बताएंगे? कृष्ण कौन है? कृष्ण जो है भगवान है, भगवान पुरुषोत्तम भगवान है। हमारे शास्त्र में बताते हैं कि भगवान जो है पुरुषोत्तम है। हाँ, तो आइए हम दर्शन लेते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं? देखिए मैं जूम कर रहा हूं, आप सभी देख पाएंगे। ये कौन है आप सभी को पता है? राधा माधव अष्टा सखी। ये इस्कॉन मायापुर में है, और मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जो है भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाए। तो इस्कॉन श्री श्री राधा मायापुर है, आप कभी मायापुर जाएंगे तो ये पश्चिम बंगाल में है, और बहुत सुंदर विग्रह है। जब भी आप जाएंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आप बस उसको देखते रह जाए। हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे गुरु महाराज है, हिज होलीनेस जयपता का स्वामी गुरु महाराज, और जो कि आध्यात्मिक गुरु है और GBC है, और इन्हीं के माध्यम से हम सभी जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का जो है घर घर जाके जो है प्रचार करते हैं मुफ्त में। तो इनका आशीर्वाद था, और इनका आशीर्वाद था कि ये चाह रहे थे कि सभी के घर में जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम रहे, जिससे जो लोग जो सब इस भौतिक संसार में परेशान है उसका हल पा के जो है भक्ति में जीवन में आगे बढ़ पाए। हम आगे बढ़ते हैं। ये है श्रीमान एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। मैं निवेदन करूंगा अगर हम सभी जो आधा घंटे के लिए अगर थोड़ा शांत रह सकते हैं तो कथा सुन पाएंगे। हाँ, तो श्री प्रभुपाद जो कि 70 साल के आयु में वृंदावन में रहते थे, 59 साल में जब हुए थे, तो वृंदावन लोग क्यों जाते हैं कोई बताना चाहेंगे? बूढ़े समय जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्यों जाते हैं वृंदावन? बूढ़े हो जाने के बाद वृंदावन इसलिए जाते हैं कि अगर वहां पे शरीर अगर वो त्यागते हैं तो भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य जो गुरु हैं, जो कि नित्य सिद्ध है, जो कि गोलोक वृंदावन धाम से
इस भौतिक संसार में आए थे हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए। 59 साल की आयु में श्रीला प्रभुपाद जो वृंदावन जैसे धाम को छोड़ के पाश्चात्य देश में गए थे क्याचिस करने के लिए, सभी लोगों को कृष्णा प्रेम देने के लिए, सभी लोगों को जो है कृष्णा प्रदान करने, कृष्णा प्रेम देने के लिए थे। और श्रील प्रभुपाद मात्र 40 रुपया लेके पूरे वर्ल्ड जो है वर्ल्ड को 14 बार भ्रमण किए हैं और 108 मंदिर का जो है निर्माण किए हैं। तो अभी भी जो जितने ग्रेजुएट और एमबीए वाले लोग हैं वो अभी भी इनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि मात्र 400 रुपया लेके 108 मंदिर का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो कहते हैं कि जब भी हम कोई कथा स्टार्ट करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से हम सभी के हृदय में क्या होता है, भक्ति में भावना स्थित होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है और हमारे और भगवान में जो संबंध क्या है। तो इस संबंध को स्थापना करने के लिए हम सभी जो है मेरे से धीरे से जो है हम भूतले स्वयं रूपा कदाम ददाति सदा पदातिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदाकमलम् श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ताय स्वामिनिति नाम्निने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे पार्श्वकादेशाकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर श्री वासुदेव गौर वृंदा। सभी हाथ तो ऊपर उठाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तो ये जो है आप सभी जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना का अर्थ है हे कृष्ण, जो कि क्या है, हम बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, जो बोलते हैं ना समुद्र क्या होता है बहुत विशाल होता है, तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो बहुत दयावान है, उनके पास जो है दया का सागर है। और ये क्या बोलते हैं दीन बंधु जगतपते, वास्तव में जो है देखिएगा इस भौतिक संसार में हम सभी का कोई ना कोई जो है परिवार है दोस्त है, लेकिन आप जब मुसीबत में पड़ते हैं तो क्या होता है दोस्त आपको पीछे चल के भाग जाता है, लेकिन भगवान अगर आप इसको दोस्त मानते हैं तो कभी भी आपको मुसीबत में जो है भगवान श्री कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उनको क्या बोलते हैं दीन बंधु, दीन बंधु पर बोले जगत पते,
ये जो इस भौतिक संसार आप देख रहे हैं, इस भौतिक संसार की रचना जो है भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तुम क्या बोल रहे हैं? गोपी सर गोपिका कांता बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान के पास कितने गाय थे, कौन बताएंगे? कितने गाय थे? कोई थी गैस? 1000। और कोई? श्रीमद भागवतम में बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण के पास 9 लाख गाय थे। 9 लाख गाय के वो मालिक थे। तो वो क्या है, उनको ब्रह्मदा और गाय जो है बहुत पसंद है। तो क्या है, गोपेश्वर गोपी के अंदर होते हैं जितने भी गौचारे थे उनके जो है 9 लाख गाय के मालिक थे, और जितने भी गोप और गोपी थे सबके वो जो है सखा थे, स्पेशली जो है श्रीमती राधा रानी। हम लोग क्या कर रहे हैं, नमस्कृत, हम उस भगवान श्री कृष्ण को जो है नमन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। ये फोटो देख रहे हैं, ये इस्कॉन मायापुर में है, ये पंचतत्व है। तो जब भी हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो ये पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्री वासुकी गौर भक्त विहार। तो अभी कौन सा युग चल रहा है, कौन बताएंगे? कितने प्रकार के युग हैं? पहला युग, दूसरा युग, दूसरा युग, त्रेता युग, तीसरा युग, चौथा जो अभी युग चल रहा है। कलयुग से कितने साल चले गए, कितने साल अभी और बाकी है? 4,32,000 साल कलयुग का जो है आयु है, जिसमें से केवल अभी 5,000 साल ही पार हुआ है, 4,27,000 साल बाकी है। ये बीच में देखिएगा चैतन्य महाप्रभु है, बीच में जो है इनको चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। 500 साल पहले जो है नवद्वीप पश्चिम बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था। हर एक युग में जो है भगवान जो है जन्म लेते हैं, ठीक है। तो क्या पता, सतयुग में कौन भगवान जन्म लिए थे? सतयुग में नरसिम्हा देव भगवान जन्म लिए थे। तो बोलते हैं ना, उग्रम वीरम महाविष्णु जालतम सर्वदा मूढ़म नरसिंह विष्णु भद्रम मृत्यु 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 नमः। तो नरसिम्हदेव इतना शक्तिशाली है कि वो जो है मृत्यु को भी डाल सकते हैं। तो जब उनके भक्त जब कष्ट में थे तो फिर जो है नरसिम्हा देव भगवान की जो है उत्पत्ति भी थी। तो जस्ट अपना भक्त का जस्ट उसका प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए नरसिम्हा देव भगवान जो है इस भौतिक साल में जो है अवतरित हुए थे, ठीक है। तो जब नरसिम्हा देव भगवान का लील जब समाप्त हो रहा था तो प्रहलाद महाराज जो है क्या होता है, एक बार तो नरसिम्हा देव जो इस तरह एकदम गुस्से में थे, एकदम गुस्से में थे। और फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी आप जाके नरसिम्हा देव भगवान को जो है शांत कराइए। तो बोलते हैं मैं नहीं जा पाऊंगा। बोलते हैं आप ही ने तो वरदान दिया था, इसलिए तो हिरण्यकशिपु आया था। बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा। फिर बोलते हैं भगवान शंकर को बोलते हैं आप जाके भगवान को शांत कराए। तो फिर नरसिम्हा देव के ऊपर जो है भगवान शंकर भी नहीं जा पाते हैं। फिर लक्ष्मी देवी को जाकर बोलते हैं, लक्ष्मी पत्नी ये मेरा पति नहीं है, ये इतना गुस्से में है, ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति को शांत स्वभाव का रहता है। तो फिर जब है सभी लोग जो है प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। बोलते प्रहलाद महाराज आप जाए भगवान के पास जो है। तो प्रहलाद महाराज जो है एक माला लेके जाते हैं नरसिम्हदेव भगवान के जो है गले में पहनाते हैं। नरसिम्हदेव जो है शांत हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज को लेके जो है गोदी में बैठाते हैं। गोदी में जैसे बैठाते हैं तो फिर जो है नरसिम्हदेव जो है इस तरह जीभ से चाट के जो है उनको आतुर करते हैं। तो नरसिम्हदेव उनसे पूछते हैं कि हे भक्त तुम्हें कैसा लग रहा है? तो बोल रहा है हे भगवान आप ये जो फीलिंग जो है ये जिस तरह का मेरा जो भाव है आप नहीं समझ सकते हैं, मुझे आपके प्रति कितना प्रेम महसूस हो रहा है। भगवान नरसिम्हदेव पूछते हैं ऐसा क्या है? तो बोलते हैं ये वही समझ सकता है जिसके पास पुत्र और पिता है। जब पुत्र आपको पिता यहाँ पे बहुत सारे पिता है आपके गोदी में आके बैठते तो आपका कैसा भाव होता है, अच्छा लगता है? तो नरसिम्हा देव जो है वो सोचने लगे कि अच्छा ऐसा है। तो नरसिम्हा देव जो है ये लीला को समाप्त करते हुए अपने धाम वैकुंठ धाम चले गए और वहां पे बैठ के ये सोच रहे हैं प्रहलाद महाराज ने ये बात बोला है और मुझे भी ये वात्सल्य जो है ये प्रेम जो भाव लेना है। तो फिर क्या होता है,
इसके भगवान के हृदय में ये इच्छा जब उत्पन्न हुई, इसमें दूसरे युग में कौन सा दूसरा युग है? सत्य युग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता युग। त्रेता युग में कौन आए थे? भगवान राम जी आए थे। तो भगवान राम जी जब आए तो फिर क्या हुआ? भगवान राम जी जब, उनके राम जी के पिता का नाम क्या था? दशरथ महाराज। उनके जब गोद में बैठे तो उनकी ये संतुष्टि जो है पूर्ण हो गई है। लेकिन भगवान राम को क्या कहा जाता था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो जो व्यक्ति भगवान राम के पास जाता था तो वो क्या करता था? भगवान को गले नहीं मिलता था, भगवान के चरण छू लेता था। वो इस भाव में रहते थे। तो भगवान राम सोचने लगे, जितने भी व्यक्ति है मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता है। तो उनके हृदय में एक और इच्छा प्रकट हुई, काश मेरा कोई दोस्त होता तो बहुत अच्छा होता, जिससे मैं गला लग पाता, जिससे मैं बात कर पाता। जो भी गला लगता था बोलता था, भगवान आपकी जगह मेरी जगह आपके यहाँ पे हृदय में नहीं है, आपके चरण में है। तो ये इच्छा उनके हृदय में उपस्थित आ गई। फिर क्या हुआ? भगवान राम जब 14 साल के वनवास में जा रहे थे, तो वनवास के समय जाते हुए जो है कई सारे हजारों ऋषि मुनि थे। तो ऋषि मुनि भगवान राम को देख के आकर्षित हो गए। राम भगवान को देख के आकर्षित हो गए, बोलते मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बोलते ये कैसा पॉसिबल है? मैं इस युग में जो हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं केवल एक स्त्री का जो हूँ संकल्प लिया हूँ, एक स्त्री से ही शादी करूंगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, द्वापर युग में जो हूँ मैं कृष्ण भगवान के रूप में आऊंगा, तो ये जो दो इच्छा है उसकी मैं पूर्ति करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ये जो जितने ऋषि मुनि थे, यही जो है 16,100 पत्रानी के रूप में ऋषि जो है फिर से द्वापर युग में जन्म लेते हैं, भगवान से जो है शादी करते हैं। पहला एक कृष्ण हो गया। और भगवान के बहुत सारे दोस्त थे, है ना? तो भगवान के कितने सारे अन्य जीवन जो है गोप बालक है, जो भगवान के ऊपर चढ़ के खेलते थे। तो भगवान की ये इच्छा भी जो है पूर्ण हो गई। द्वापर युग में भगवान ये सोचने लगे कि किस तरह मैं दूसरे को जो प्रेम जो है, जो गोप है और गोपियां हैं, वो मेरे बारे में कितना प्रेम है, कितना प्रेम करते हैं श्रीमती राधा रानी, कितना प्रेम करते हैं, ये भाव को समझने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो है कलयुग में 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित लिए थे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी के रूप में आए थे। इनका एक और नाम जो है गौरक्ता। इनके बगल में देखिए जो है नित्यानंद प्रभु है, दूरंग जो है नित्यानंद प्रभु है, जो और कोई नहीं है, त्रेता युग में जो है राम और लक्ष्मण जो थे ये है, लक्ष्मण भगवान बलराम भगवान जो है ये है। अद्वैताचार्य जो है सदा सिंह और ब्रह्मा जी के अवतार में यहाँ पे आके उनकी पूजा किए थे कि कलयुग में जो है बहुत पाप बन रहा है, यहाँ पे आके जो है ये, और यहाँ पे जो अंत में जो पिंक कलर के जो पहने हैं ये कौन है? ये गदाधर पंडित है। कौन है? श्रीमती राधा रानी है। और इधर साइड में देखिए अद्वैताचार्य है, ये अद्वैताचार्य कौन है? ये नारद भगवान है। तो इस तरह पंचभूत जो है कलयुग में 500 साल केवल पहले जो है अवतरित हुए थे। हनी युग का एक एक धर्म है, मैं अंतिम में बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपका कक्षा जो है अभी प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है 5,000 साल पहले द्वापर युग में जो है आए थे, अवतरित किए थे, तो उनको हम कहानी चर्चा करते हैं। आप सभी तो कोई ना कोई श्री कृष्णा महाभारत सारे कभी ना कभी तो कोई सीरियल में देखे होंगे। तो मैं कहानी को संक्षेप रूप में बताऊंगा। और जो आज का जो मेन मकसद है, भगवान इस भौतिक संसार में क्यों आते हैं? कोई गेस बता सकते हैं क्यों आते हैं? कोई भी गेस करना चाहेंगे? जी माता जी, हाथ उठा रहे हैं, क्यों आते हैं भगवान? हरे कृष्णा, आप कृपया शांत रहे, माता जी कुछ बोल रहे हैं, बोले। हाँ, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये गांधी बताए के लिए हम अपनी इज्जत देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं पर गंगा। तो एक बार की बात है, जब पाप जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, सारे जितने भी देवी देवता थे, इंद्रदेव थे, तो सभी के क्या होता है ना, वहां पे सिंहासन पे आक्रमण कर दिए थे। सभी जो है परेशान हो गए थे, सभी परेशान हो गए थे, तो सब कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के बोले कि कृपया करके जो है हम सभी का जो है हानि का निवारण करें। तो ब्रह्मा जी जो है श्वेत सागर में जाते हैं, और वहां पे जो है श्वेत सागर जहाँ पे कहा गया है इसी भौतिक संसार में जो है एक सागर है जहाँ पे पूरा दूध से भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए गन्ने का रस पीते हैं ना आप सभी, जूस पीते हैं, आम किसको किसको पसंद है। तो ऐसा बहुत सारा सागर है इस भौतिक संसार में, जहाँ पे आम का सागर है, गन्नों का सागर है, आप जहाँ पे जाके जो है इंद्र तृप्ति आराम से पी सकते हैं। ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता थे वहां पे जाके प्रार्थना करने लगे भगवान से। अब भगवान से कैसे प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से जो है प्रार्थना कर रहे थे, भगवान जो वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं। ये जो है हमारे आचार्य भी बताते हैं ब्रह्मा जी ही केवल भगवान को दिखाते हैं, बाकी देवी देवता जो है वहां पे नहीं देख पाते। तो भगवान उपस्थित होते हैं, बोलते हैं घबराओ नहीं, मैं जो हूँ द्वापर युग में जो हूँ भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो है इस भौतिक संसार में जन्म लूंगा, और जितने भी देवी देवता हूँ मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी जो हूँ धरती पे जाके सभी कुल में जो है जन्म लें। तो सभी देवी देवता जो है ये सुन के जो है वापस धरती पे चले जाते हैं, और धरती पे चले जाके फिर जो है भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था कौन बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण का कहाँ पे जन्म हुआ था? नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, भगवान कहाँ पे जन्म लिए थे? मथुरा में। कहाँ पे? जेल में। तो आप सभी कहानी जानते हैं क्या हुआ था, भगवान के पिता का नाम क्या था? जोर से बोलिए, वासुदेव। भगवान का एक नाम वासुदेव भी है। भगवान की माता का नाम क्या था? भगवान के दूसरे पिता का नाम क्या था? भगवान नंद बाबा। माता का नाम? नहीं सुनाई दिया, यशोदा मैया। यशोदा मैया। नंद बाबा कहाँ पे कृष्ण को पालन किए थे? गोकुल में। फिर गोकुल से जो है पूरे आज का जो क्षेत्र है उसको वृंदावन कहते हैं। तो वो क्या हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जो जन्म दिए थे? तो वासुदेव और देवकी माता का शादी हुआ था। आप सभी का शादी हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे माता हैं, प्रभु जी हैं, सबका शादी हुआ है। तो जब शादी होता है तो जब जितने माताओं हैं तो आपका कोई ना कोई भाई होगा, तो देवकी माता का भाई कौन था? कंस यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं सुन कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। ये कहानी के रथ के पहले के समय में जो है दहेज दिया जाता था, तो राजा जो थे कंस जो थे वो बोले कि मैं अपनी बहन को स्वयं लेके जाऊंगा। हाँ, बहन को स्वयं लेके जाऊंगा कहाँ, और इनको विदाई करूंगा। राजा जो थे 400 हाथी दान किए थे, 400 हाथी कैसा, स्वर्ण से सुसज्जित, 20,000 घोड़े, 200 रथ, 18,000 रथ, 200 सेविकाएं। ये जो है पहले की प्रथा रहते थे कि बेटी को बहन को कोई भी दिक्कत ना हो। अब जैसे जा रहे थे तो फिर जो है देवी देवता जो वहां पे थे बोल रहे थे, अगर ये कंस जो है ये क्रूर नहीं बनेगा, अत्याचार नहीं करेगा, तो भगवान का जन्म कैसे होगा? तो फिर आकाशवाणी होता है। आकाशवाणी क्या होता है कौन बताएंगे? सुना होगा आप सभी ने, उस समय गर्जन होता है, आकाशवाणी बोलते हैं, मैं आकाशवाणी हूं, और मैं आकाशवाणी, हे कंस तुम जो स्त्री को ले जा रहे हो यही तुम्हारा वध का कारण बनेगा, इसके गर्भ से आठवां संतान जो उत्पत्ति होगा वही तुम्हारा वध करेगा। अब ये जो गर्जन जैसे हुआ, कंस भगवान जो कंस जो थे वो थरथरा के कांप गए। अब जो देखिए जो अपनी बहन से इतना स्नेह कर रहा था, वो स्नेह जो है खुद रथ चला रहा था, सारथी बना हुआ था, वो रथ को छोड़ के अपना हाथ से दाहिने हाथ से तलवार लेता है और देवकी माता का बाल पकड़ के उसको हत्या करने के लिए जाता है। ये स्थिति आ गया, स्वयं का भाई अपनी बहन का हत्या करने जा रहा है।
वासुदेव जो उनके पति हैं वो सोच रहे हैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, इनकी कैसे रक्षा करूं। और कहा जाता है कंस महाराज जो थे उनके हाथ में 100 हाथी का बल था, एक बार अगर छोड़ दिए तो सीधा गर्दन जो है नीचे चले जाएगा। इस तरह से जो कंस जो थे वासुदेव जो है कहानी लंबा है, वो सोचते हैं कि किस तरह मैं अपने धर्म पत्नी को बचाऊं। और ये वासुदेव जो है कंस को बोलते हैं ये आपका बहन है, आप अपने बहन का स्वयं हत्या करेंगे तो दिक्कत होगा। अकलस्वामी ने कहा कि पुत्र जो आएगा वो हत्या करेगा, आपकी बहन ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। वासुदेव बोलते हैं कि जैसे पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र मैं आपको आके दे दूंगा। आप कंस जानते थे वासुदेव अपनी जो है वचन का बहुत पक्के थे, वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए, इतने पक्के थे। तो फिर जो है वासुदेव जो है कि बात सुनते जो कंस महाराज है वो छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। और दोनों जो है फिर क्या रहते हैं, कंस के महल पे जाकर उनकी निगरानी में रहते हैं। जब निगरानी में रहते हैं तो फिर आराम से सब रहने लगते हैं। जब आराम से फिर रहने लगेंगे तो फिर क्या होगा, भगवान का जन्म नहीं होगा ना। तो भगवान का जन्म नहीं होगा तो फिर क्या करते हैं, नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कंस आपको पता नहीं है पिछले जन्म में जो है, कंस महाराज को बोलते हैं हे कंस महाराज आप जो है वास्तव में जो पिछले जन्म में जो है काल में ही राक्षस से, और आपकी हत्या जो है किसने किया था, विष्णु भगवान ने किया था। और विष्णु भगवान स्वयं फिर से आठवें संतान के देवकी के रूप में आएंगे। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे हाथ बैठ के जो है बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं। और आपको पता है जितने देवी देवता है ऑलरेडी भौतिक संसार में जो है यदुकुल में भोजन डायनेस्टी में सब में जो है ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। ऑलरेडी भगवान ने प्लान बना दिया कि आपको किस तरह मारना है, और आप यहाँ पे हाथ पे हाथ रखे हुए जो है बैठे हुए हैं। अब इस तरह जैसे होता है संवाद होना का, फिर जो है कंस जो है सोचने लगता है, उसी जो है भगवान का जो है पहला बच्चा का जो है जन्म होता है। पहला बच्चा का जैसा जन्म होता है तो वासुदेव अपना प्रॉमिस रखते हुए अपना वचन रखते हुए कंस महाराज के पास लेके आते हैं। कंस महाराज के पास जैसे लेके आते हैं तो बोलते हैं नहीं वासुदेव मैं इसको मारूंगा नहीं, तुम कृपया करके जो है चले जाओ, मेरा जो है आत्मा पुत्र मुझे मारेगा, पहला नहीं कि मुझे क्या बिगाड़ा है। फिर नारद मुनि वहां पर आते हैं, वासुदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं नारद मुनि बोलते हैं कि अगर इस तरह रहेगा तो फिर बच्चे में मोह में होगा तो आगे बच्चे जन्म नहीं लेगा। तो नारद मुनि बोलते हैं और बोलते हैं कि आपको आपका जो दुश्मन है भगवान है, आप कैसे आएंगे। तो फिर कंस जो है वो जाके पहला बच्चा को उठा के पटक देता है। कितने माताओं का यहाँ पे बच्चा है, सभी का बच्चा है। आप जस्ट इमेजिन करिए बहुत सारे माताओं का गर्भपात हो जाता है या जन्म लेने के बाद शिशु जो है मर जाता है, अगर अपने बच्चे को एक छोटा सा चूट लगता है तो कितना दर्द होता है ना। तो यशोदा यहाँ पे देवकी माता और भगवान वासुदेव का जो है वहां पे बहुत दुख होता है। और इस तरह करते करते एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र, चार पुत्र, पांच पुत्र, छह पुत्र का जो है कंस जो है भारी बारी से जो है इस तरह उठाते हैं और उसकी जो है उठा के हत्या करते जाते हैं। तो कोई बता सकते ये छह जो बच्चे जो है जिनकी हत्या हुई थी ये कौन थे, कोई गेस करना चाहेंगे, कोई भी गेस। ये छह पुत्र जो थे, ये छह पुत्र जो सातवां पुत्र जो आने वाला था वो कौन थे, बलराम जी थे। बलराम जी त्रेता युग में लक्ष्मण जी के रूप में आए थे और कलयुग में जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में आए थे। भगवान श्री कृष्ण जो है क्या है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बलराम जी जो है, बलराम जी जो कौन है इस भौतिक संसार को देखिएगा वो अनंत शेष है और वो जो है इस जितने भी ब्रह्मांड को जो है, राय देखिए राय का दाना जाते हैं, माता जी खाना बनाते तो राय का दाना कितने छोटे रहते हैं, तो अनगिनत ब्रह्मांड जो है बलराम जी अपने सर पे जो है रखते हैं। बलराम जी कौन है, आदि गुरु है,
जब तक बलराम जी का आपके ऊपर कृपा नहीं होगा तब तक आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। बलराम पूर्णिमा कृष्ण जन्माष्टमी कब है? हम लोग आज मना रहे हैं यहाँ पे 24 तारीख को जन्माष्टमी है, 26 तारीख को, एक सप्ताह पहले जो है 19 तारीख को बलराम जी का जन्म हुआ था। तो बलराम जी जो है वो ये जो 6 बच्चे का जो मृत्यु हुआ था इसको पता है क्या बोलते हैं, ये 6 शत्रु हैं आपके मन के। हम सभी के अंदर के मन में के अंदर क्या करते हैं ना, आप यहाँ पे बैठे हैं लेकिन आपका मन कहाँ कहीं और चला गया है। तो 6 शत्रु जो है क्या है, काम क्रोधा लोभा मद मोहा मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो हमारे मन को जो हमें इस भौतिक संसार में आनंद के लिए रहता है। तो काम का मतलब क्या हुआ, जो आपके इच्छाएं जो रहते हैं उसको पूर्ति रहते हैं उसको काम कहते हैं, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, व्यक्ति क्या करता है उसकी हत्या भी कर देता लेकिन ये चाहिए मुझे, ये काम हुआ। फिर तो क्या हुआ क्रोध, कितने व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है वो हाथ उठाए, तो ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध नहीं आता है। भगवद गीता में हमारे पुस्तक में इसका सॉल्यूशन जो है दिया गया है कि क्रोध को कैसे शांत कर सकते हैं। भगवद गीता एक ऐसा पुस्तक है, श्रीमद भागवतम ऐसा पुस्तक है जिसमें आपके कोई भी प्रश्न हो सारे प्रश्न का हल जो है भगवद गीता में है। तीसरा जो बोलते हैं लोभा, हम जो बोलते हैं ना थोड़ा बहुत चाहिए, लालच जो है कभी भी कम नहीं होती है, तो ये लालच भी हमारे मन में है। मदा अहंकार, हम जानते हैं सबसे बड़ा कौन हूँ, मैं हूँ, ये अहंकार रहता है। फिर क्या रहता है मोहा, मोहा मतलब आसक्ति, मेरा घर मेरा परिवार मेरा धन इसको आसक्ति बोलते हैं। फिर जो है मत्सर, ये मत्सर का मतलब क्या हुआ, जलन ईर्ष्या, ये है 6 चीज हमारे मन में है। तो भगवान का जन्म लेने से पहले माता के गर्भ में ये 6 बच्चे जो आए हैं 6 चीज जो है चले गए। तो भगवान को कितने लोग भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में उतारना चाहते हैं, तो अपने मन में उतारना चाहते हैं तो पहले ये क्षत्रिय को 6 शत्रु को पराजय करना पड़ेगा, तब फिर क्या होगा गुरु का कृपा होगा। गुरु कौन है, बलराम जी। बलराम जी फिर जो है माता के गर्भ में आते हैं, तो बलराम जी जो है वो जो क्या करते हैं भगवान को जो चीज की आवश्यकता रहते हैं बलराम जी पूर्ति करते हैं। भगवान के मोरपंख, भगवान के बांसुरी, भगवान के वेणु, भगवान के जूते चप्पल सब के सब कौन है, बलराम जी है। माता के गर्भ में साफ सुथरा करके फिर क्या करते हैं भगवान बलराम का एक और नाम है संकर्षण। वासुदेव भगवान की एक और पत्नी थी, उनके नाम क्या थे कौन बताएंगे, वासुदेव राजा थे उनके और एक पत्नी थी उनका क्या नाम था, रोहिणी माता। रोहिणी माता कहाँ पे थे उस समय, गोकुल में थे। तो जब भगवान शंकरसन बलराम जी होते हैं तो उनके गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाता है योग माया दुर्गा देवी के द्वारा, इसीलिए उनका एक नाम है शंकरसन। फिर जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रातः हो रहा है, तो भगवान का जन्म हो रहा है अभी, सब ध्यान से सुनिएगा। तो आत्मा चित्र से पहले जो है एक स्त्री भी जो है वो भी आती है, वो जो है उसका कहानी मैं बताता हूँ। सातवां आठवां जो है गर्भ में आते हैं वासुदेव भगवान के जंगल में जो है अचानक से देखते हैं यशोदा मैया गोकुल में है और नंद बाबा भी गोकुल में है। जेल में कौन कौन है, देवकी और वासुदेव। जेल जो है अंधकार में है और देवकी और वासुदेव कैसे थे, उनकी स्थिति क्या था, दोनों हाथ जंजीर से बंधे हुए थे, गले में माला नहीं था गले में जंजीर था, पैर में भी जंजीर था। और वहां पे अचानक एक प्रकाश होता है, प्रकाश आता है, भगवान जो है चतुर्भुजा फॉर्म में विष्णु के रूप में वहां पर अवतरित होते हैं। ये जो चतुर्भुजा फॉर्म जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यही परमात्मा रूपी फॉर्म है, आप सभी के हृदय में परमात्मा रूप में चतुर्भुजा फॉर्म विराजमान है। तो कभी कभी जैसे मान लीजिए एक प्रभु है, मैं उनको गाली दे देता हूँ या कुछ बुरा बोल दिया और वहां से निकल जाऊंगा, घर जैसे पहुंचूंगा तो बोलेंगे आज आपने गलती की, आपका उसका कोई गलती नहीं था। ये जो परमात्मा जो आपके हृदय में विराजमान रहते हैं ये आपको बताते हैं क्या सही और क्या गलत है। तो चतुर्भुजा फॉर्म में जो है विष्णु भगवान सभी के साथ रहते हैं, ये आपको कभी भी नहीं छोड़ते हैं, आपके परिवार के सदस्य छोड़ देंगे, आप भिखारी बन जाएंगे, आपका घर छूट जाएगा, आपका ये शरीर भी छूट जाएगा,
लेकिन भगवान जो है कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ये शरीर का जब आप त्याग करेंगे, ये शरीर का देखिए सब परिवार बोलते हैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब आप ये शरीर को छोड़ेंगे, आपके परिवार के यहीं के लोग आपके पास रहेंगे और आपके परिवार के सदस्य बोलेंगे ये शरीर को जल्दी जला, बहुत दुर्गंध आ रहा है, तो ये वास्तविक में प्रेम क्या है? शरीर का प्रेम, त्वचा का प्रेम है। वास्तविक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि हम जो है ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा कभी भी मरता नहीं है। तो आत्मा जो है आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं, वो जो है चतुर्भुजा फॉर्म में रहते हैं। जैसे भक्ति में आप अग्रसर होंगे तो उसके नीचे देखिए शिशु रूप में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, दो रूप में है, दो अंग में है, इसको श्याम सुंदर रूप कहा जाता है। जब आप शुद्ध भक्ति का चालन करेंगे तो भगवान आपके हृदय में श्याम सुंदर रूप में आएंगे। देवकी माता और जब वासुदेव भगवान बोलते हैं आप चतुर्भुजा फॉर्म में आप कैसे गर्भ में आएंगे, आप नॉर्मल शिशु के रूप में आए, तब भगवान जो है गर्भ में यशोदी माता का गर्भ में आते हैं। तो आप सब कहानी जानते हैं भगवान का कैसे हुआ था, तो मैं इसके ऊपर विस्तार में नहीं जाता हूँ। फिर किस तरह भगवान कृष्ण जो है किस तरह यमुना नदी को पार करके गोकुल जाते हैं, गोकुल वहां पे जाते हैं, नंद बाबा का एक पुत्री जन्म हुआ था, ये पुत्री का नाम क्या रहता है? योग माया, भगवान की योग माया रहते हैं और वहां पे सभी को बीच में गोकर रहते हैं। तो मैं कहानी छोटा कर रहा हूँ, बलराम भगवान ये अनंत शेष है, ये जो है जैसे जो है रक्षा कर रहे हैं, यमुना माता जो है नंद वासुदेव भगवान के यहाँ तक आ जाते हैं, क्यों आते हैं? नंद बाबा जो टोकरी में लेके जा रहे थे, वो जो भगवान के चरण को स्पर्श करना चाहते थे, भगवान के चरण को स्पर्श करना चाहते, तो जैसे चरण को स्पर्श करते फिर यमुना जो है अपने आप जगह छोड़ देते हैं, नंद जो वासुदेव भगवान जो गोकुल में भगवान को रख के जो पुत्री जो जन्म लिए थे उसको लेके आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट फोटो है गोकुल का, गोकुल के जो वहां पे भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं और सभी के सभी जो है सोए हुए हैं, योग माता के चलते हैं, फिर जो है ये जो पुत्री को लेके आते हैं, ये पुत्री को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। कंस महाराज सातवें पुत्र के बाद बोलता है आठवां पुत्र कहाँ है, बोलते आठवां पुत्र तो ये लड़की हुई है ना, भगवान कहाँ पे चले गए? मथुरा से गोकुल में चले गए। अब गोकुल में जो पुत्री जो योग माया जन्म ली थे ये कौन है? ये यहाँ पर आ गए हैं। तो फिर यशोदा वहां वासुदेव बोलते हैं कि आपको तो खतरा किससे था? आठवां पुत्र से था, ये तो आठवां पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है। तो फिर वहां से भविष्य में होता है कम हो सकता है ये पुत्र को रिस मत लो, मार दो इसे। जैसे ये पुत्री को लेके मारने जाते हैं, ये जो योग माया शक्ति है ये हवा में उठ जाती है, हवा में उठने के बाद जो है स्टर रूप लेती है, इसका नाम क्या है? दुर्गा देवी। तो यहाँ पे फोटो देखिएगा ऑरिजिन में है, जगन्नाथ जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, उनके बगल में कौन है? योग माया है जो है सुभद्रा माया है, ये और कोई नहीं दुर्गा देवी है। तो दुर्ग इस भौतिक संसार को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं दुख आलप आशाश्वतम। अब भगवान देखिए यहाँ पे जन्म क्यों लिए, यहाँ पे योग माया जो है कहती है कंस तुम मुझे मार नहीं पाओगे, दीर्घ का अर्थात संस्कृत में बोलते हैं जेल। ध्यान से सुनिएगा, हम सभी जो है पूजा किससे करते हैं? दुर्गा देवी की पूजा करते हैं कि शुभ संपत्ति घर आवे ओम जय लक्ष्मी सहरे। हमको ये समझना चाहिए लक्ष्मी देवी की हम अलग से पूजा करते हैं, भगवान विष्णु या भगवान के वो हमेशा क्या करते हैं? पाद चरण पे हमेशा रहती है। अब भगवान को आप पूजा करिए तो लक्ष्मी देवी अपने आप आएगी, लक्ष्मी देवी को सिर्फ पूजा करिए तो वो चंचल करती है, किसी के घर में रुकती नहीं है। तो यहाँ पे दुर्ग जो है दुर्ग आती है, ये सभी हम इस भौतिक जीवन जितने भी है हम सभी को बंधन में रखती है, तो ये क्या है? दुर्ग। इस भौतिक संसार को जेल कहा गया है। तो यहाँ पे बैंगलोर में कोई 1 BHK के जेल में रह रहा है, तो कोई 2 BHK के जेल में, कोई कोई 3 BHK के जेल में। मनुष्य की जैसे इच्छा होती है और जैसा कर्म करता है वो व्यक्ति उस प्रकार से 1 BHK 2 BHK 3 BHK में पुनः पुनः जन्म लेते रहता है इच्छा। और ये कितने लोग चाहते हैं कि उनके पास धन की कमी ना हो? हाँ तो सही बात, गलत बात नहीं है, सभी चाहते हैं ना। अच्छा आप कोई धन नहीं चाहता तो धन आएगा तो मुझे दे दीजिए, मंदिर का मैं निर्माण करूंगा। सबको धन चाहिए, सबको आराम चाहिए,
सबको वस्त्र चाहिए, सबको चाहिए आराम से एसी में बैठ के चले, तो ये सब हमारी जो इच्छाएं जो रहते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म से रहना और हम 84 लाख योनि में घूमने के बाद हमें एक अवसर मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, क्या करने के लिए, हमें भक्ति करने के लिए और वापस जाने के लिए, हमारा घर के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भगवान और मिल गया रहता ना तो अच्छा होता। तो व्यक्ति की इच्छा जो रहती है कभी समाप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अंत काल में चैव दिव्यम्, अंत काल में जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, व्यक्ति की जैसे जिसकी इच्छा रहेगी व्यक्ति वही प्राप्त करता है। मान लीजिए आप पूरा साल मेहनत करके एक घर बनाए, ये जितना बड़ा घर बनाए, आपकी आयु हो गई है 75 साल, पूरा मेहनत करके बनाया, अब घर जब बनाए, घर बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप जो है आईसीयू में कुछ देर के बाद, 6 महीने के बाद एडमिट हो गए। अब आईसीयू में सोच रहे हैं अगर मैं मर गया इस घर को कौन रोकेगा, तो भगवान बोलेंगे तथा अब इसी घर में छिटकर लिए कॉकरोच बन के जन्म ले लेंगे, घर बोलिए। तो व्यक्ति की जैसे इच्छा रहती है जरूरी नहीं वही फल पाएगा। अब व्यक्ति क्या इच्छा से धन हो, आराम से सब जगह घूमे, भ्रमण करे, एसी भी रहे, कोई मुझे आके खिलाए, भगवान बोलेंगे तथा आपकी करते नहीं है, लेकिन इच्छा ऐसा पाने की अगले जन्म में आप कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। आजकल तो कुत्ता का लाइफ जो है मनुष्य भी अच्छा है, एसी में आराम से रहता है, मालिक आके खाना देता है, पॉटी करता है तो वो भी साफ करता है मालिक, है ना। फिर तो बाइक स्कूटी कार में आपको सब जगह घुमाने ले जाता है, और तो आजकल तो हवाई जहाज में भी कितने बिल्ले जाते हैं। तो आपकी अगर कर्म नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा, इच्छा के अनुसार आपको इस फिर से भौतिक संसार में पुनः बार बार जन्म जो है लेने रहता है। तो हमारे शास्त्र में बताते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम इस सभी भौतिक संसार में आए हैं, सभी कैसे आए हैं कौन बताना चाहेंगे, कैसे आए इस भौतिक संसार में, कैसे आए हैं जन्म लेके। तो हम सभी क्या मना रहे हैं आज, जन्माष्टमी, मतलब हैप्पी बर्थडे तो मनाते हैं ना, तो यहाँ पे भगवान जो है आज जन्म, उसका जन्म हम कैसे मना सकते हैं। तो यहाँ पे भगवद गीता के शास्त्र में बोलते हैं, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि संभवामी आत्मा। भगवान कहते हैं मैं आज जन्मा हूं, मेरा कभी भी जन्म नहीं होता है, मैं जन्मा हो तो मेरा जो शरीर है ये दिव्य शरीर है। हम लोग इस भौतिक संसार में आने के लिए माँ के कोख से जन्म लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान खुद से रहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं खुद से जन्म लेते हैं और बोलते हैं मेरे शरीर के भीतर में परमात्मा रूप में भगवान पे स्थापित रहते हैं। जैसे मान लीजिए सीसीटीवी या यहाँ पे कैमरा है, कैमरा रहता है ना, तो हम जो भी चीज काम कर रहे हैं भगवान परमात्मा रूप में आप सभी एक्शन को देख रहे हैं। व्यक्ति जैसा इच्छा कर्म करेगा उसके हिसाब से नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं हर एक हिस्से में अपना ओरिजिनल रूप में आता हूँ। तो आप हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी चतुर्भुजा फॉर्म में रह रहे हैं, चार उनका सेल है, और ब्रह्मा जी का अभी प्रेजेंट एज है 51 साल। 51 साल ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है इस धरती पर आते हैं, स्वयं जो ओरिजिनल रूप है, बाकी सब में जो हरित युग में उनके अवतार में आते। तो सत्य युग में भगवान को अगर पाना है तो क्या करना पड़ता था, ध्यान तो विष्णु भगवान के रूप पे आपको ध्यान करना पड़ता था। हाँ व्यक्ति की सत्य युग में 1 लाख साल, व्यक्ति की आयु थी 1 लाख साल, अगर भगवान में तपस्या करे 60,000 50,000 साल अगर तपस्या करेंगे तो फिर आएंगे, ये सत्य युग में था। त्रेता युग में क्या करना पड़ता था, ये पे करना पड़ता था, एक सुनना अगर हटा देंगे तो कितना साल बचा, 10,000 साल। ये हमारे शास्त्र में बनाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, 10,000 साल मनुष्य की आयु रहती थी। फिर उसमें आप यज्ञ कीजिएगा तो आप भगवान के धाम जो है पा सकते हैं। फिर द्वापर युग जाए जो भगवान श्री कृष्ण आए, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पंच विग्रह की पूजा, एक सुनना अंतर बताते हैं तो व्यक्ति की आयु थी 1,000 साल। कलयुग में साइंस में पढ़ेंगे हम सबकी कितनी आयु है, 100 ईयर बोलते हैं ना, ये सारी की सारी जो है श्रीमद भागवतम से आई हुआ है, एक सुनना और हटाए कलयुग।
में जो है केवल बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर इसकी आप मात्र नाम लेंगे आप भगवान के धाम जा सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके जो कि भगवान श्री कृष्ण आके यहाँ पे बोलते हैं। आप बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है धरती में क्यों आते हैं? सभी जन कितने जन हॉल में गए हैं मूवी देखने, सभी कभी ना कभी तो गए हैं या टीवी में देखे होंगे। तो जब देखते हैं जब हीरो रहता है, हीरो विलेन में जब लड़ाई होता है, तो हीरो जब एंट्री होता है तो क्या है बैकग्राउंड में गाना बजता है धर्मस्या। वो हम लोग मूवी में देखे लेकिन असली मीनिंग क्या श्लोक का आज हम देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं मैं इस भौतिक संसार में, इसके पहले श्लोक में देखते मैं आज जन्मा हूँ, फिर भी अपना दिव्य शरीर का रूप लेके इस भौतिक संसार में आता हूँ। अब भगवान किस लिए आते हैं? माता जी ने कहा था धर्म की स्थापना करने के लिए। बोलते हैं जब जब हम धर्म करता है तब तब हे भारतपुत्र, तब तब जो है धर्म की स्थापना करने का धर्म जब बढ़ता है तब तब मैं इस भौतिक संसार में आता हूँ। समझ में आ रहा? तब तक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्यों आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो आते हैं ध्यान से सुनिएगा, भौतिक संसार में तीन कारण के लिए आते हैं। आप सब सुनने के लिए तैयार है? जोर से बोलिए हरि बोल। नहीं सुनाई दिया? और एक बार कहते हैं एक बार भी कोई भगवान का नाम लेता है तो वो जो है भगवान का भक्त कहलाता है। तो इस श्लोक में कहते हैं परित्रणाया साधूना विनाशाय च दुष्टम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हाँ, तो पहला क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। प्रहलाद जब कष्ट में थे, वो प्रहलाद महाराज जो स्वयं उसके पिता क्या आज्ञा दिए थे, इसको मृत्युदंड दे दो, इसको मृत्यु रखने दो। तो प्रहलाद महाराज की स्वयं रक्षा करने के लिए भगवान जो है इस धरती पे क्या लिए थे? अवतरित लिए थे। किस किस से रक्षा किए थे? कौन कौन था? टीवी में देखे होंगे ना सीरियल में, कौन कौन बताएंगे? पहला संदेश क्या दिए गए उनके पिता? पर्वत से फेंक दो। दूसरा पागल हाथी के नीचे चल दो, कौन से भी बच गया। तीसरा जो है पर्वत में है, बस टाइम करो वापस टाइम करो, पर्वत में जो है सांप के पेड़ जो बोलते हैं वहां पे प्रहलाद महाराज जाके बोलते हैं हे नाग देवता आप तो बलराम जी हैं। वहां पे जाके नाग को जो है प्रहलाद महाराज प्रचार करने लगे और नाग जो है ऐसे करके सुन रहे हैं और जैसे राक्षस होता है उनको डसने लगा। ये प्रहलाद महाराज है। तो इस तरह होली होली मनाते हैं हम लोग, सब होलिका दहन सुने हैं। स्वयं उसकी बहन जो है उनको मारने का कोशिश की है, फिर उनकी माता ने विष दिया, फिर भी जो है प्रहलाद महाराज मरे नहीं है। तो भगवान जो है क्या बोलते हैं उनके पिता? बोलते हैं बोलो जय हिंद का सिद्धू। तो बोलता है जय विष्णु भगवान। तो फिर बोलते हैं क्या तुम्हारा भगवान कहाँ पर है? भगवान सब जगह है, आपके हृदय में भी विराजमान है। बोलता है क्या भगवान यहाँ है? बोलते हैं हाँ भगवान यहाँ है। बोलते हैं भगवान यहाँ है? बोलते हैं हाँ भगवान यहाँ है। क्या भगवान उस खंभा पे है? बोलते हैं हाँ इस खंभा में भी है। अब भगवान उस खंभा में इसलिए आए क्योंकि अपने भगवान अपने भक्तों को भी बोल दिया था भगवान इसमें है, इसलिए हुआ। कैसे को ब्रह्मा जी से 7,000 साल तपस्या करने के बाद वर मांगा था ना मैं घर के बाहर मरू, ना मैं अंदर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना कहीं मरू, ना मैं 12 मास में मरू, ना दिन ना रात में, ना अस्त्र शस्त्र ना मानव ना दानव से, इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो कैसे मरेगा। तो बोलते हैं आप सबको छल कर सकते हैं, भगवान को आप छल नहीं कर सकते। भगवान जो है उसको कभी भी आप छल नहीं करते। तो भगवान जो है नरसिम्हा देव के रूप में है। नरसिम्हा देव जो है वो कौन थे? आधा मानव आधा वो कहाँ से आए? खंभा से प्रकट हुए। कब आए थे? संध्या समय में आए, ना दिन ना रात। कहाँ मारे थे? चौखट पे मारे हैं, ना ऊपर ना नीचे। कहाँ मारे? अपने गोद में मारे, ना हस्त ना शस्त्र। किससे मारे? आंखों से मारे।
करना चाहिए। कौन सा महीना था? अधिक मास था, 3 साल में एक बार आता है, अधिक मास बोलते हैं उसको। तो भगवान से जो है शक नहीं कर सकते आप, जो भी करने से नहीं हो। तो पहला क्या होता है, अपने भक्तों का शक में आते हैं, भक्त अगर कष्ट में है तो भगवान आपके बचाते हैं, पहला रीजन ये है। दूसरा क्या बोलते हैं, जब रक्षा करने आते हैं तो क्या करते हैं, साथ में कीड़े मकोड़े करते हैं, जब दोस्त रहते हैं उसको भी खत्म कर देते हैं, दूसरा रीजन ये रहता है। तीसरा क्या करता है, भगवान बोलते हैं धर्म जब जब बढ़ता है तो उसका क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं। फिर क्या बोलते हैं, संभवामि युगे युगे, अनेक युग में मैं बार बार जन्म लेता हूँ। भगवान कौन है, प्रश्न आप सभी के मन में आता होगा। हम किसी को भी और सभी को भगवान कह सकते हैं क्या, है ना? भगवान कौन है, तो कौन पढ़ना चाहेगा? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कोई पढ़ना चाहेंगे भगवान कौन है? कोई भी एक जन जोर से, हरे कृष्णा। थोड़ा सा काम, भगवान के डिफिनेशन परिभाषा बता रहे हैं, कौन है जोर से पढ़िए। कोई बीच में लिखा हुआ है, भगवान वो है जो पूर्ण रूप में सर्व ऐश्वर्य से युक्त है। सर्व ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, श्रीमद् भागवत में बताते हैं भगवान के जो 64 गुण है। सर्व ऐश्वर्य का मतलब जो पहला गुण जो है, ये जो है सौंदर्य। पहला गुण के ऊपर हम चर्चा करते हैं, मैं एक बार जूम करता हूँ, आप सभी जो है देख पाएंगे। देखिएगा भौतिक संसार में, देखिए कोई काला व्यक्ति रहता है या श्यामल रंग रहता है तो उसको कोई पसंद नहीं करता, गोरे स्त्री या गोरे पुरुष को सब पसंद करता है, बच्चे को भी बोले काला है ऐसा दूर बैठो। भगवान जो है क्या है, उनको उनका जो कलर जो है बादल के कलर का है, अंजान उसका नाम, एक नाम है श्याम भी है। हाँ, तो हमारे बोलते हैं शास्त्र में कहते हैं, कि एक कन्नड़ कोटि मतलब होते हैं काम काम्यवान जो होता है, कितना सुंदर रहता है। वैसे हजारों करोड़ और काम्यवान को आप मिला देंगे उतनी सुंदरता भगवान की, उससे भी ज्यादा सुंदरता है। हाँ, अब इनकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी, उन्मत को जानते हैं आप सभी, पुतना को जानते, पुतना क्या करने आई थी, मारने के लिए ना। तो लोग कहते हैं कंस जो था, जो मालिक चल रहे हैं कि भगवान कहीं पे कहीं जो है जन्म ले लिए हैं, तो पुतना राक्षसी को भेजती है, पुतना राक्षसी को भेजती है। और ये पुतना ध्यान से सुनिएगा, मैं कहानी जो बता रहा हूँ इसके पूर्व जन्म के बारे में भी बताऊंगा। पुतना कहानी को शॉर्ट में बता रहा हूँ, पुतना राक्षसी जब जाती है तो जितने गोकुल वासी बोलते हैं ये तो स्वर्ग की अप्सरा है, इतनी सुंदर थी। और जैसे भगवान श्री कृष्ण को लेके स्तनपान कराने जाती है, स्तनपान करने को वहां पे क्या करती है, विष लगा देती है। जैसे वो स्तनपान कराती है, सबसे पहले सोच रही है ये भगवान कितना सुंदर है, इसको कंस मारने के लिए क्यों भेजा है, ऐसा कैसा मोटर है। कुछ समय के भूतना भी जो है भ्रमित हो जाती है, भगवान की आयु कितनी थी उस समय, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, 1 सप्ताह भी नहीं हुई थी। और फिर उनके मन में फिर क्या आता है, भूतना के मन में ख्याल आता है, नहीं नहीं कंस ने मुझे भेजा इसको मारने के लिए। तो जैसे भूतना स्तन पान कराते हैं, भगवान उसको पकड़ लेते हैं, विष का हल निगलते हैं, भूतना का जो है वध हो जाता है। अब भूतना तो कहाँ जाती है आपको, उतना भगवान के धाम चले जाती है, गोलोक वृंदावन धाम में। उतना को जो है एक नक्षा मैत्री कहते हैं संस्कृत में, उनको मूल रूप का स्थान कहता है। क्यों पता है, कहानी जानते हैं आप सभी, उतना पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण जो वामन देव के रूप में आते हैं, वामन देव के रूप में जब आते हैं तो बलि महाराज के पास जाते हैं, तो बलि महाराज के पास बोलते हैं कि हे ब्राह्मण मुझे दान दो। तो बोलते क्या चाहिए, मुझे 3 पग रखने का जगह चाहिए। तो उनके जो गुरु रहते हैं शुक्राचार्य बोलते हैं ये साधारण जो है ब्रह्मचारी नहीं है, ये ब्रह्मणा नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु जो आया है। तो वहां पे बलि महाराज कहते हैं, अगर भगवान भी मेरे द्वार का है तो मैं इनको कैसे बना कर सकता हूँ। तो 2 पांव रखते हैं,
काम रखते हुए जो है पूरा ब्रह्मांड कवर कर लेते हैं। जैसे उठाते हैं तो तीनों लोक से पढ़ते हुए गंगा की उनके चरण से जो है गंगा आती है। ये गंगा को हम लोग पूजते हैं ना, तो समझिए जो भगवान के चरण से जो गंगा आती है, तो ये गंगा स्तूप में भगवत गीता जो अपने भगवान स्वयं मुख से बोले हैं, तो ये कितना शुद्धिकरण है। तो यहाँ पे ये जो बलि महाराज की बहन थी वो सोचती है कितना सुंदर बालक है, काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे दूध पिला सकती हूँ। इसके मन में भाव आया, आपके मन में जो भाव इच्छा आएगा भगवान आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। फिर जैसे तीसरा पांव रखे तो तीसरा पांव बोले भगवान कहाँ रखूं, तो बोलते मेरे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि तो जितना भी उनके पास साम्राज्य था सब भगवान ले लेंगे दो पांव में। तीसरा हाथ बोलते हैं आत्मा निवेदन, भगवान बोलते हैं मेरे सर पे रखिए। तब ये जो बहन जो रहती है बोलती है मेरा भाई का सब ले लिया, अगर ये मेरा ये छोटा सा मैं इस पर वध कर देते हैं। दोनों जो इच्छा हुई यही जन्म में इसको पूतना रूप में दोनों का सुख प्राप्त हुआ। भगवान की जो भी सेवा करता भगवान उसको कभी भी नहीं भूलते। तो ये पूतना जो है यहाँ पे गए। अब यहाँ पे देखिए मोर हुआ वृंदावन से जितने जितने पुष्प हुए जितने सखे हुए, तो ये भगवान का सौंदर्य है, जितने भी पुष्प है यहाँ पर कोई भी जो है नहीं रहता। दूसरा जो क्या है, दूसरा जो भगवान का जो डेफिनेशन है शक्ति। हाँ शक्ति जो है वास्तव में शक्ति, भगवान इतने शक्तिशाली है। बहुत लोग जो बोलते हैं मैं भी भगवान हूँ, उनसे पहले क्या आप एक बोतल एक लीटर का बोतल खाली उंगली में तो छोड़ दीजिए, एक हाथ में उठा के 2 घंटे तक रख सकते हैं? नहीं। भगवान जो छोटे से 7 साल की आयु में थे 7 दिन तक 7 रात तक छोटे से गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाते थे। ये तो भगवान जब बड़े थे तब, जब 3 साल के थे तो छोटे से पोतना को मारे, कितने सारे अनगिनत राक्षसों को जो है जो वहां पे मारे, जो है एक पानी को नहीं खा सकते हैं ग्लास क्या होगा। तो ये भगवान की क्या है, दूसरा शक्ति है, तीसरा क्या है भगवान का जो है यश जो है वो चालू और फैला हुआ है। यहाँ पे देखिएगा भगवान पहले भी 5-6 हजार से सतयुग में भी भगवान थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी भगवान का जो यश जो है चालू और फैला। ये एक फोटो है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, इसको हम मायापुर का देखिए वर्ल्ड में जो है यूनाइटेड नेशन है जो हमें शांत रखने या पीस नेशन बताते हैं। पीस नेशन जो है क्या कर रहे हैं कि सब सबके प्रति जो है मैत्री रहे, लेकिन फिर भी एक देश क्या कर रहा है वो झगड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन अभी तक शांत नहीं कर पाया, लेकिन श्रील प्रभुपाद ये जो बैठक है जो यहाँ जो शाह जब जाएंगे मायापुर में, यहाँ पे चैतन्या महाप्रभु का जन्म हुआ है, ये यहाँ का है। 90 से भी ज्यादा लोग जो है नेशन के 90 से भी ज्यादा देश के लोग जो है यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं और शांत में। तो भगवान का यश जो है पहले भी था अभी भी है और आगे भी है। भगवान जो है उनका जो प्रेम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कितने आए कितने गए, लेकिन भगवान का जो यश जो है कभी भी कम नहीं हुआ। फिर दूसरा जो है धन, सभी को धन चाहिए तो भगवान कहते हैं सबसे भगवान जो है सबसे ज्यादा धन रहता है। यहाँ पे देखिए भगवान के 16,108 रानियां थे वृंदावन जब द्वारका जब जाएंगे, ये जो महल है 16,108 रानी। तो नानक भगवान एक बार जाते हैं बोलते हैं मैं भगवान के घर जाना चाहता हूँ देखता हूँ, तो हर एक रानी में क्या करते हैं भगवान हर एक रानियों के साथ एक एक महल बनाते हैं। हम तो एक घर बनाने में परेशान हो जाते हैं, एक धर्म पत्नी को पालन करने में पूरा जीवन निकल जाता है। यहाँ पे 16,108 कितने धन थे भगवान डेली जो है कितना गाय दान करते थे, 1,000 गाय दान करते थे श्रीमद् भागवतम में कहते हैं 1,000 × 16,108 इतना धन था। नारद भगवान वहां पे आते हैं बोलते हैं ये जो घर देख रहे हैं यहाँ पे टाइल्स में आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा, वहां पे आप जाएंगे रात में बिना लाइट का आपको अपना चेहरा दिखेगा ऐसा करता था। तो ये जो है धन हो गया। फिर दूसरा जो है बोलते हैं लक्ष्मी देवी जो है ना इनके चरण में रह के सेवा करते हैं, हम सब जो है लक्ष्मी देवी की पूजा करना चाहते हैं भगवान की नहीं, भगवान को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आएगा। इसके साथ से देखिए कोई व्यक्ति के पास अगर धन आता है तो क्या होता है अहंकार आ जाता है, त्याग आप नहीं कर सकते।
मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अंबानी के घर आप जाते हैं, या आपका मित्र जो है वो अमीर है, उसके घर पे जाके बोले चलो बंधु मैं आपके साथ जो हूँ बाहर जाता हूँ ड्राइवर गाड़ी निकाल दो रहा, हाँ आप क्या बोलेंगे ड्राइवर गाड़ी चलाओ, क्या आप स्वयं गाड़ी चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। भगवान जो स्वयं भगवान है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ड्राइवर बने हैं। अब पहले के जब महाभारत युद्ध जब हो रहा था बहुत ज्यादा शोर सन्नाटा था, आप सुन नहीं पाते, अपने साथी को बोल नहीं पाएंगे, आपको पैर मार के उसको बताना पड़ता था दाएं मुड़ना है तो यहाँ मारेंगे बाएं मुड़ना तो यहाँ मारेंगे, इतना बड़ा त्यागी थे भगवान। अपने भक्तों के लिए वो जो है कुछ भी कर सकते हैं, और ज्ञान तो क्या ही बोले, भगवत गीता का जो ज्ञान जो है आज भी जो भी प्रश्न था आपका जो भी है कोई भी प्रश्न, मैं 5 साल का था तो मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, बाइबल के ऊपर मुझे संतुष्टि नहीं हुआ, दूसरे दोस्त में थे मोहम्मद दोस्त लोग थे तो मैंने ये भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा उसमें भी नहीं पढ़ा, फिर ऐसे कई सारे शास्त्र मतलब जो वेद अभी तक पढ़ा नहीं आए सर, लेकिन जब भगवत गीता पढ़ा सारे प्रश्न का जवाब मुझे जो है मिल गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो जो भी व्यक्ति के पास ये 6 स्क्वायर जो पूर्ण रूप में है, हाँ पूर्ण रूप में जो है उसे भगवान कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको आके बोलता है कि मैं भगवान का अवतार है तो आपको मानिएगा नहीं, आप रोइएगा, आपके मनोरंजन पर्वत उठा सकते हैं, आप शक्तिशाली है, क्योंकि हम क्या है आत्मा है, हम भी भगवान के अंश अंशी है। तो ये जो 6 गुण जो है हमारे अंदर भी है लेकिन ये पूर्ण रूप में नहीं है। अगर हमें शक्ति चाहिए तो क्या कहते हैं हम जन्म से शक्तिशाली होते हैं? नहीं, हम जिम जाते हैं बॉडी बनाते हैं तब शक्तिशाली होते हैं, तब 10 किलो उठा पाते हैं, नहीं तो उठाने जाते तो क्या बोलते हैं माँ मम्मी कमल गया, हाँ इस तरह जो है हम 10 किलो भी नहीं उठा पाते हैं। क्या हम सभी सुंदर हैं? सभी के पास जो धन है 100 साल पहले क्या है ये घर किसी और का किसी और के पास है, सब कहाँ चल गए टाटा फल में। तो जो भी आया इस भौतिक संसार में वो सब लोग का है इस शरीर का त्यागना है। तो क्योंकि हम भगवान के अंश और अंशी हैं तो भगवान हमें एक मौका दे रहे हैं कि आप जो है भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति करके जो है आप आगे जा सके। लेकिन जैसे अभी देख लीजिए ये जो है यहाँ पे हम सभी जो आए हैं कथा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने में ही बिजी हाँ कथा नहीं सुन रहे हैं, भगवान दो कान क्यों दिए, सब कान एक ही चीज दिए हैं, कान दो कुछ नहीं दिए हैं, एक से सुनो एक से निकाल दो, है ना। तो भक्ति हमें क्यों करना चाहिए या जो हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण क्यों करना चाहिए? तो कलियुग का जो धर्म है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अगर कोई व्यक्ति ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है तो वो भगवान के धाम जो है इसी शरीर में भगवान का धाम जा सकता है। आपको सतयुग में ध्यान करने की जरूरत नहीं है, त्रेता युग में भगवान की यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, द्वापर युग में भगवान की अच विहार की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमारी आयु कितनी है? मुश्किल से 100 वर्ष की है, 50 से 60 साल की है। 50 से 60 साल में क्या रहता है, आधम से ज्यादा समय तो सोते हैं और खाते हैं, जब बच जाता है क्या करते हैं भगवान की हम पूजा में रहते हैं। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा जो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य का जो जीवन जो है इतना महत्व क्या है। हरे कृष्ण कितने लोग कहानी सुनने के लिए उत्सुक है? 5 मिनट होगा, हरी बोल बोल रहे हैं सुना। मैं सभी से निवेदन करूंगा जितने भी माता और प्रभु जी हैं 5 मिनट बस ध्यान रखिए, उसके बाद यहाँ से मैं चले जाऊंगा, फिर आराम से फिर बात आप कर सकते हैं, 5 मिनट शांत रहेंगे। तो देखिए ये जो भगवान की जो कथा है हम बार बार हम प्रचार करने जाते हैं, और आप सभी आपकी पिछले जन्म में कभी ना कभी ब्रह्मा जी रहे देवी देवता रहे हैं, तब आपको मनुष्य के जीवन मिला 84 लाख वाली जुड़ने के बाद आप यहाँ पे आपको मनुष्य का बना। तो मनुष्य का जीवन हम किस तरह से व्यर्थ करते हैं पहली बार नहीं है, हर एक बार बोलते हैं कहानी में आप सभी को सुनाता है, सुनने के लिए तैयार है जोर से बोले हरि बोल। तो मैं निवेदन करूंगा बस 5 मिनट ज्यादा नहीं है, शांत रहेंगे तो आप सब सुन पाएंगे।
तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य का जीवन हमें शुरू मिला है। तो अभी दूसरा मास चलने आया, दूसरा मास मतलब ये जो 4 मास होता है सावन के बाद जो आता है उसको चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास कहते हैं भगवान विष्णु जो है क्या करते हैं, गर्भ दक्षिणा विष्णु जो है वो नीचे में चले गए, यहाँ पे अभी आराम करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 मास में आप देखिएगा जो भी शुभ काम करना चाहेंगे नहीं होगा, कोई भी शादी का काम नहीं होगा, कोई भी पूजा का काम नहीं होगा, लेकिन भक्ति के काम हमेशा होगा। तो ये चतुर्मास में है क्या करते हैं, ऋषिगण क्या करते हैं, घर घर जाके क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं और लोगों को दान देते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं। अब ये 4 मास में देखिएगा बारिश भी होता है तो लोग जो है साफ सुथरे जो रहते हैं, ज्यादा भ्रमण नहीं करते क्योंकि कीड़े मकोड़े जो है पैर के नीचे आ जाएंगे तो उनकी क्या होगी, हत्या हो जाएंगी, हत्या हो जाएगी तो वो जो है नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे, अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या कहेंगे, ऐसे भ्रमण कर रहे थे तो एक क्या होता है, किसान रहता है, किसान क्या करता है, खेती करता है, खेती करके क्या करता है, अन्न को उपजाता है और खाता है और बेचता है। तो ऐसे किसान के घर में क्या किए थे, ये गुरु जो है संत जो है पधार गए थे, पधार ज्ञान देने लगे। 2-3 दिन हो गया जो ऋषि जो है किसी के घर में ज्यादा रुकते नहीं है, वो बोले मैं यहाँ से अब जो हूँ जा रहा हूँ। तो ये जो विनम्र होता है साधु पहाड़ में जो है बारिश हो रही है आप यहीं पर रुकिए जाके क्या करिएगा, तो ये ऋषि जो है वहां पर रुक जाते हैं। प्रभु भगवत गीता कृष्णा को तो भगवान ये जो साधु जो है क्या करते हैं, उनको भगवत गीता पढ़ाने लगते हैं, भगवत गीता पढ़ाने लगते हैं और फिर जो है उनको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बाद जो है बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसका जो है तुम डेली अध्ययन कर रहा। अब शिष्य जो गुरु जो रहते हैं ये उनको आशीर्वाद दे के, उनको दीक्षा दे के, उनको माला दे के, भगवत गीता दे के निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। अब ये जो है अपना दिन काल में जो है व्यस्त होकर डेली क्या करता था, भगवत गीता आता था, पढ़ता था, इसी तरह पैक था, हाँ पैक था। और उस समय में अभी देखिए आपके घर घर में भगवत गीता यहाँ पे विराजमान है, लेकिन पहले के समय में जो है मैं आपसे तब तक बात कर रहा हूँ, पहले कहानी में बता रहा हूँ, पहले जो हाथ से लिखा जाता था, तो इस तरह जो है भगवान जो है देते थे। तो ये व्यक्ति जो है एक बार खड़ा है, घर से पाया तो घर में क्या देखता है, घर में देखता है एक चूहा है। अब चूहा क्या कर रहा है, इस तरह आवाज निकाल रहा है। अब चूहा जब आवाज निकाल रहा है तो वो जो व्यक्ति है सोच रहा है, गुरु ने मुझे भगवत गीता दिया है, अगर ये चूहा रहा तो सारा भगवत गीता क्या करेगा, खा जाएगा, खा जाएगा। तो गुरु जो ज्ञान दिया मैं ज्ञान अर्जित नहीं कर पाऊंगा। अब वो दिक्कत जो है चूहा का समस्या जो आई उसको समाधान तो मैंने सोचने लगा कैसे समाधान कर सकता हूँ। तो उससे खेती करने भी जा रहा था तो वहां भी सोच रहा था चूहा कैसे समाधान करूं। तो उससे सोचते उसके दिमाग में कुछ देना आइडिया आ जाता था, एंड देता ना मेंटस खाओ दिमाग की बत्ती जला लो, आप सभी देखे होंगे। तो उसकी दिमाग की बत्ती भी एक बार जल गई, अब बोलता है कि चूहा किससे डरता है, बिल्ली से। तो एक पुरुष ने क्या किया, बाजार गए और एक बिल्ली पाल लाए, बिल्ली जैसे घर में पाल के ले आए, चूहा घर छोड़ के चला गया। अब वो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि बिल्ली आ गई है, अब चूहा नहीं है, अब मैं आराम से मेरा भगवत गीता सेव है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बिल्ली करने लगी। अब ये दूसरा बिल्डिंग यहाँ भी क्यों कर रही है भैया, तो बहुत ध्यान सोचने के बाद आया मैं डेली खाना खा रहा हूँ, बिल्ली को तो कोई खाना नहीं दे रहा हूँ, शायद बिल्ली जो है घर की इसलिए म्याओ म्याओ कर रही है। पहले के जमाने में बाजार जाके अब पैकेट का दूध ला के बिल्ली को दे सकते थे, वैसा नहीं होता था। आपको दूध लाने के लिए गाय रखने की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति सोचने लगा इसको दूध पिलाने के लिए मुझे गाय की जरूरत पड़ेगी। व्यक्ति बाजार जाता है, बाजार में जाने के बाद गाड़ी खरीदता है, अब गाड़ी खरीद के घर लाता है, बोलता है गाड़ी तो खरीद के ले आए, एक और समस्या उत्पन्न हो गई, क्या समस्या है, मुझे दूधनी तो नहीं आती है, दूध कैसे निकालूंगा। एक और समस्या आई, फिर बोलता है नौकर रखना पड़ेगा जो दूध निकाल सके,
नौकर को पालता है। नौकर क्या किया, दूध निकालता था, दूध निकला बिल्ली को दिया, बिल्ली ने दूध पिया, शांत रहा, चूहा नहीं गया, इस तरह से समाधान हो गया। अब यह जो नौकर जो है उसको भी तो खाने पीने की जरूरत है कि नहीं, सभी खाते तो उसकी भी जरूरत है। तो बोलता है मुझे तो काम पे जाना पड़ता है, मैं क्या करूंगा। तो बोलता है शादी कर लेते हैं, बोलते शादी कर लेंगे तो धर्म पत्नी आ जाएगी तो वो खाना बनाएगी, तो फिर क्या होगा, वो खाना बनाएंगे तो नौकर खा लेगा, नौकर क्या करेगा, गाय को दूधेगा, गाय क्या करेगी, दूध देगी, बिल्ली पिएगी, तो क्या होगा, सुबह नहीं आएगा। एक एक करके इतना बुद्धिमानी से वो कर रहा था। शादी करने के बाद इस तरह से परिवार चलते रहा। कुछ समय के बाद दो तीन बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो फिर क्या होता है, घर की आमदनी बढ़ जाती है। अब ये जो बोला इतने पैसे में जो है चल नहीं रहा है, बिजनेस करना पड़ेगा, खेती बाड़ी छोड़ दिया, खेती बाड़ी छोड़ के बिजनेस करने लगा। अब ये जो किसान से जो है साहूकार सेठ बन गया, झोपड़ी में रहता था, 2 से 3 तल्ला का मकान बन गया, उसमें जो है पेट ऐसे बड़ा निकल गया, सोने का एकदम माला पहना हुआ था, सेठानी बन गए दो जो है। इस तरह करते करते जो 20 से 25 साल जो है बीत गया, 20 से 25 साल बीत गया। तो जो गुरु जो है सोचते हैं कि बहुत दिन हो गया मैं अपने शिष्य से जो हूँ मिला नहीं, क्यों ना मैं मिल के आता हूँ। तो वो गांव में जैसे प्रवेश करते हैं, प्रवेश जैसे करते हैं, करने के बाद देखते हैं ये गांव का मुखिया बदल गया है, गांव का पूरा मुखिया बदल गया, पूरा शहर बन गया है। पूछते पूछते आगे जाते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, पहले जो है आवाज देते थे, मोहन है क्या, अभी बजा लेंगे। अब वहां से जो है दो बच्चे निकलते हैं, दो बच्चे निकलते बोलते क्या चाहिए, ओ भीख चाहिए मेरे को, देता हूँ मम्मी भिखारी आया है भीख दे दो। बोलते हैं फिर बोलते क्या चाहिए, तो बोलते हैं ये नाम से कोई लड़की रहता है तो उसकी धर्म पत्नी बोलती है, गांव में तो इनके नाम से सेठ के नाम से जानता है, इसका पुराना नाम ये है, तो अपने पति को बुलाती है। पति को जैसे बुलाते हैं, पति क्या करता है, उनके शरण में गिरता, बोलता गुरु आप, बोलते गुरु ये क्या हुआ, मैं क्या बताऊं गुरु, इतनी समस्या आ गई, आपने जो भगवत गीता मुझे जो दिया था उसको पढ़ने के लिए क्या वो चूहा आ गया, हाँ चूहा पे समस्या हल करने के लिए बिल्ली आई, बिल्ली की समस्या को हल करने गया तो फिर मुझे गाय पालन करना पड़ा, गाय का समस्या हल करने के लिए दूध लाने के लिए मुझे नौकर रखना पड़ा, नौकर को हल करने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी, शादी का हल करते करते पति ने सोचा चलो वो सब तो ठीक है, भगवत गीता तुमने पढ़ा था, तो क्या बताएं महाराज, भगवत गीता पढ़ने में टाइम ही नहीं हुआ। तो हमारा जीवन भी जो है यहाँ होता नहीं है। फिर हम क्या बोलते हैं, बच्चे को एक बार स्कूल में एडमिशन करा दे हम सेट है, बच्चे एक बार कॉलेज में चल जाए सेट है, बच्चे एक बार जॉब ले जाए हम सेट है। फिर बोलते हैं बच्चे का शादी हो जाए एक बार सेट है, बच्चे को क्या पूरी बार पिता या नानी बन जाए या नाना बन जाए, बस भगवान उसके बाद और कुछ नहीं है, इतना करते करते भगवान का को लेके चले जाते हैं। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें जो मनुष्य का जो शरीर जो मिला रहा है, ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है के लिए भगवान गीता का पांच विषय है। ईश्वर कहा था, ईश्वर के बाद कौन आते हैं, जीव। हम जो जीव जो है भगवान के अंश रहस्य है, जीव में प्रकृति, हम जहां पे रह रहे हैं ये प्रकृति है। अब ये तो प्रकृति ये एक जेल की तरह है जिसके दुर्गा देवी निगरानी कर रहे हैं। फिर चौथा क्या है, काल है, पांचवा समय। भगवान भगवत गीता के इदार में धर्म बताते हैं कि मैं समय जो समय का वेस्ट करता है वो किसी का नहीं होता है। तो कर्म जो रहता है, चार जो चीज है, ईश्वर काल प्रकृति और जीव, ये चार जो है ये व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग करता है, लेकिन मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से व्यक्ति को जो है फल भोगना पड़ता है। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया है, भगवान मुझे अंधा क्यों बनाया, पहरा क्यों बनाए, या मेरे साथ ही क्यों, जब भगवान आपको धन दौलत अच्छा देता है तो बोलते हैं और उसी के क्यों नहीं दे रहे, मेरे को क्यों नहीं दे रहे, मेरे को क्यों दे रहे। लेकिन जब दुख आता है तो हम फिर जो है ये जाके भगवान को बोलते हैं,
तो जो मनुष्य को ये समझना चाहिए, जो भी आप स्थिति में है, आपका स्वयं का कर्म जो है आपको मिल रहा है, कोई भी आपको दुख नहीं दे रहा, आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहे हैं जो भी कर रहा है, आपका स्वयं का कर्म जो आ रहा है। तो भगवान जो बोल रहे हैं कि हमें एक मनुष्य का शरीर जो मिला है, जिसमें हम भगवान की भक्ति करके हम गोलोक और वृंदावन धाम जा सकते हैं, जहां पे हमारा असली घर है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जगत के लोग, ये जो जगत है उसका नाम है आनंद आशा सतम, दुख आनंद आशा सतम है। यहाँ जो भी व्यक्ति जन्म लिया हुआ है कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, हमेशा दुख से घिरा रहेगा। कौन बता सकते हैं कितने कितने लोगों के जीवन में दुख है? कोई ऐसा है, मैं प्रश्न उल्टा पूछा, कोई ऐसा है जिसे जीवन में दुख नहीं है? वो हाथ उठा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वास्तविक में सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख है। कोई दुख का उदाहरण दे सकते हैं? दुख का मतलब क्या होता है? सबके जीवन में अलग अलग होता है। बोलिए प्रभु। बहुत प्रभु बोले तुमसे बहुत पढ़ना पड़ता है, मम्मी सुबह सुबह उठा देती है। बच्चे के जीवन में होगा, वाइफ बोलेगी कि खाना बनाना पड़ता है, पति का हमेशा सुनना पड़ता है, हस्बैंड बोलेगा मुझे कमाना पड़ता है, हमारी लिस्ट जो है बहुत लंबा है। कोई बोलेंगे मैं हॉस्पिटल का बिल्ड में हूँ, इतना कष्ट है, तो मैं कुछ बोलेंगे मैं चल नहीं पाता हूँ, तो कोई बोलेगी इस तरह से भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया है, क्यों? वास्तविक में जो है श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भगवान जो है भगवत गीता में बोलते हैं, चार ऐसा दुख जो है सभी व्यक्ति जाता है, सभी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। चार ऐसा दुख कौन है? कोई सुनना चाहेंगे? जानते कौन सा ऐसा दुख क्या है? कोई व्यक्ति से बच नहीं पाया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो भी इस व्यक्ति इस भौतिक संसार में आया है, वो जन्म के द्वारा ही इस संसार में आएगा, और कोई नहीं है। यहाँ पे कितना मानव बैठा है, उनको मेरा प्रणाम है। अपने बच्चों को जो है शिक्षा आप देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण डेली क्या करते थे? भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चे को शिक्षा देते थे, आपके जीवन में जो भी समस्या है, बच्चे ध्यान से सुने, के जीवन में जो भी समस्या आए, डेली उठ के जो है अपनी माताओं का क्या करना है? प्रणाम करना है। चरण छू के प्रणाम करना है, तो फिर क्या होगा? आपके जीवन में जो भी समस्या है वो चला जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भौतिक संसार में उतना शुद्ध प्रेम जो है भगवान के बाद आपको कोई कर सकता है, वो केवल माँ कर सकती है अपने बच्चों से। ठीक है, तो ये माता इम्पोर्टेंस है। तो हम जब यहाँ पर आते हैं तो माता क्या करते हैं? गर्भ से हम जन्म लेते हैं, गर्भ में हम जन्म लेते हैं, वो कैसे रहते हैं? बड़ा बैलून देखिए इतना बड़ा, आप सब इमेजिन करिए, आंख बंद करिए, इतना बड़ा बैलून है, आपकी जितनी हाइट है, आप उस बैलून के अंदर कैद है, उस बैलून के ऊपर में मैं क्या कर रहा हूँ? मुंह से बाहर निकल रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारी अवस्था रहती है जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं। और तो और बैलून ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, आपकी टंगी ऊपर है, सर नीचे है, छोटे मोटे है। माँ जब पार करती है तब लाइट अंदर जाती है, इतनी भयानक पीला है। जो बच्चे जब देखते हैं, जब छोटे चॉकलेट ज्यादा खा लेते हैं तो पॉटी से कीड़े निकलते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े आपको जो अंदर में काटते होते हैं, उल्टी पस जितने भी गंदगी है जो पेट में है सब अंदर में, उस गंदगी में बच्चा जो है तड़पते रहता है। जब आप माँ जितने भी जब पाँव मारता है तो करते, माँ क्या बोलती है? बच्चा पाँव मार रहा है, आनंद महसूस होता है, लेकिन बच्चा जब क्या होता है? कष्ट में रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मैंने क्या पाप किया था जो मुझे इस नरक में डाल दिया, मुझे कृपया करके इस नरक से निकाले। जैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे? मैं काफी ऊंचा करूंगा। जैसे बाहर निकलता है, विधि का विधान देखिए, जैसे बाहर निकलता है तो क्या करता है बच्चा? इसकी स्वागत कैसे होता है? डॉक्टर ऐसे लेते हैं में मारते हैं, आपकी स्वागत कैसे हो रहा है? मार खा के हो आप, सब जो जीवित जो है हंस रहे, ये जन्म हो गया। कहते हैं मृत्यु बहुत कष्टदायक चीज है, मृत्यु जब होती है, आत्मा का जो साइज जो है भगवत गीता में बताया गया है, एक बाल तोड़िए, एक बाल का जो टिप जो है उसको 10,000 भाग में तोड़िए, ये साइज होता है आत्मा का। आत्मा जब शरीर से जब निकलता है, कहते हैं 50,000 स्कॉर्पियन बिच्छू एक साथ एक जगह अगर आपको काटे, इतना दर्द होता है आत्मा को शरीर से निकलने के। जब आत्मा जब निकल जाता है तो फिर वो बता नहीं पाता है कि मम्मी पापा बेटा बेटी कितना दर्द हुआ था, जैसे नाम नहीं चल जाते हैं। दो चीज जो इस जीवन में देख सकते हो, क्या है?
और व्याधि। कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं वो कभी हॉस्पिटल नहीं गए हैं, हमेशा स्वस्थ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें कष्ट देते हैं अपने पूर्व कर्म के अनुसार। अब जब बोलते हैं कि यहाँ पे जरा अव्याधि, व्याधि का अर्थात बुढ़ापा, बुढ़ापा में जब आता है ना, जितना अहंकार रहता है ना, सारे के सारे निकल जाते हैं। बोलते हैं इसलिए मनुष्य के साथ जो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपके घर में अगर बुरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करिए, क्योंकि आपका भी बुढ़ापा आएगा। उनकी सेवा करिए, तो ये चार चीज जो है जिससे कोई भी नहीं बच पाया है, जन्मा मृत्यु जरा व्याधि। इस चक्र को अगर काटना है तो इस चक्र को काटने के लिए सारे उत्तर यहाँ पे दिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं निरंतर डेली दिन से, तो भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। तो आइए हम सभी जो है 21 बार हरे कृष्णा महामंत्र का साथ में उच्चारण करते हैं, और ये हैबिट बनाए कि डेली करें और भगवान के धाम जो है इसी जीवन में जा सकते हैं। तो मेरे पास रिपीट करिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्री वासवी गौर भक्त वृंदा। जितने भी दुख दर्द है सबको साइड में रखिए, आंख बंद कीजिए, 21 बार आंख बंद करके भगवान का नाम ले रहे हैं मेरे साथ, आप रिपीट कीजिएगा, सब कुछ भूल जाए, जो भी दुख है जो भी दर्द है आंख बंद करें, आप भगवान की स्तुति करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, रिपीट कीजिए मेरे बात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। सुनाई नहीं दे रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा राम हरे 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 कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। कैसा लग रहा है? शांति लग रहा है? तो ये पूछते हैं, हम जब करते हैं हमारा जब बीमार रहते हैं तो कहाँ जाते हैं? हम अस्पताल जाते हैं। तो जब आपका मन शांत ना हो तो कहाँ आपको जाना है? मंदिर जाना है, भगवान के पास शरीर छोड़ के जाना है मंदिर जाना। मन का दिल मतलब क्या होता है? जहां मन आपका शांत होता है। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, देखेंगे दुख दर्द आपका बाहर वेट कर रहा है, आप एकदम शांत महसूस करेंगे। जैसे बाहर जाएंगे तो फिर बोल को परेशान करेंगे। तो ये जो भी चीज मैं बोला हूँ, भगवान की जो लीलाएं हैं, ये इस पुस्तक में है, कृष्ण की लीला, ये श्रीमद भागवतम में जो है, ये जो है श्रीमद भागवतम में है। यहाँ पे बाहर में स्टोर है, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो कहते हैं ये बुक श्रीमद भागवतम या भगवद गीता, या भगवद गीता कन्नडा में हिंदी के रूप वहां में, इसका श्रीला प्रभुपाद ने नाम दिया है भगवद गीता एज इट इज, या भगवद गीता हिंदी में यथारूप। कितने सारे लोग जो है अस्त्र में, शस्त्र में, खाना में 300-400 रुपया बर्बाद कर देते हैं। वो घास खाइएगा एक टाइम का, सुबह पॉटी के थ्रू निकल जाता है, या किसी को दान दीजिए वो निकल जाता है। लेकिन ये भगवत गीता कॉपी आप अपने घर में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है ये आपके घर में विराजमान रहते हैं, आपके समय में आपका समय खराब चल रहा रहेगा, जब भी कोई भी श्लोक होता है, ये टाइम बम की तरह है, आपको टूटेगा, मान भगवान की भक्ति में जो आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको ऐसे स्नान लिया हो, यहाँ से 10 मिनट है, 1 किलोमीटर के लिए यहाँ से जाएंगे, 2-3 प्रभु आपको बताएंगे कहाँ पर हमारा, और इसमें लोकेशन है, ये कार्ड आप कलेक्ट कर सकते हैं, बाहर में एड्रेस है। तो ऐसे जो भी कथा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है भगवान के बारे में जो भी है, ये हम लोग हर एक संडे को जो है, सुनिए प्रभु, एवरी संडे हम लोग निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं देना है आपको। अगर आपको सिर्फ अगर कुछ देना है तो अपना कीमती बहुमूल्य समय देना है। बच्चों के लिए भी अलग से छोटे से क्लास रखते हैं, आप किस तरह जो है संस्कार आप उसको छोटे से जन्म से दे सकते हैं, और ये एक अवसर मिला हुआ है कि किस तरह हम इसी जन्म में भगवान की भक्ति करके जन्म मृत्यु जननी आदि के चक्र को तोड़ के भगवान के अंतिम घर जो अपना ओरिजिनल घर है वहां पे जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी, आप सभी बहुत विनम्र भाव से आप कक्षा को सुनते रहे, जो भी त्रुटि हुई है मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे कोई भी कष्ट या मेरे वाक्य से आपको कोई भी कष्ट पहुंचा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रभु जी, और मैं मुरली गोविंद प्रभु जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि भगवान की कुछ दुख कर सके। तो हम धन्यवाद सभी माता जी प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 2 मिनट रुकेंगे, प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे कि अभी जो पोस्ट कर रहे हैं क्या रहेगा। और एक चीज है, प्रसादम कृपया करके खा के जाए। प्रसादम जो है कृष्ण प्रसादम जो कहते हैं, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद आपको पुण्य मिलता है, तब आपको ये प्रसाद की खा पीता होती है, प्रसाद जरूर लेके जाए। हरे कृष्णा। अभिषेक